जी न्यूज के बेहद खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, खास इसलिए क्योंकि ये शो देश के ताज से जुड़ा है, वो ताज जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जिंदाबाद। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। निकाय चुनाव हुए, इसके अलावा पंचायत चुनाव हुए, और ये जो चुनाव रहे, ये जो निकाय चुनाव रहे, पंचायत चुनाव रहे, इन चुनावों ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ अलगाववादियों को, ना सिर्फ आतंकवादियों को, बल्कि मुख्य धारा की सियासी पार्टियों को भी, जो बात तो कश्मीर की करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं जुबान पाकिस्तान की बोलती हैं, उन सभी को एक जवाब दिया। जवाब ये कि लोकतंत्र जिंदाबाद। वाकई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई। 74%, बहुत जरूरी आपके लिए जानना, 74% टर्नआउट रहा है। ये 74% पंचायत चुनावों के दौरान, जो 2011 के बाद पहली बार हुए जिसमें 74% मतदान रहा, और निकाय चुनाव जो कि 13 साल के गैप के बाद हुए और इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 35% मतदान। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जिंदाबाद जम्मू कश्मीर में। और ये चुनाव जो है, हो सकता है किसी की हार हुई है, किसी की जीत हुई है, निर्दलियों ने चुनाव ज्यादा जीते हैं। मैं वो जो आंकड़े देख रहा था उस लिहाज से अगर देखा जाए, किसी की जीत, किसी की हार, लेकिन किसी एक की जीत हुई है तो वो लोकतंत्र की जीत हुई है। आपकी जीत हुई, हमारी जीत हुई, इस देश की जीत हुई है। इसलिए निकाय चुनाव में लोकतंत्र जिंदाबाद। और देखिए, हमारे साथ बहुत खास पैनल है आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर, कश्मीर को लेकर एक अलग तरह की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। असल ब्रांड अम्बेसडर जो हैं लोकतंत्र के, वो हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए। हमारे साथ शफीक मीर साहब हैं, जो कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं। ये पहले ब्रांड अम्बेसडर हैं लोकतंत्र के, मैं ये कहूंगा। मेरे साथ, उन्हीं के साथ खड़े हैं अरुण शर्मा साहब, जो कि सुंदरबनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वहां से सरपंच है। ये दूसरे ब्रांड अम्बेसडर लोकतंत्र के, जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के ब्रांड अम्बेसडर। मेरे साथ इस तरफ आप देखेंगे आफताब अहमद बेग साहब, जो कि सरपंच है तंगमर्ग बारामूला से, वाइस चेयरमैन है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। और शबीर लोन साहब, जो कि सरपंच है किश्तवाड़ के, ये चौथा चेहरा, और आप सभी भी चेहरा, क्योंकि आप भी सरपंच है, पंच है। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है, 40 के करीब सरपंच और पंच जो चुनकर आए, और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये है असल कश्मीर, ये है असल कश्मीर की आवाज, और ये कश्मीर की आवाज कश्मीर की जनता चाहती है। इन चुनावों के जरिए कश्मीर के लोगों ने आज वाकई जवाब दे दिया। सबसे पहले मैं आप ही का रिएक्शन लूंगा शफीक मीर साहब, क्योंकि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर तो आप है भाई, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है। क्या मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, क्या बात हुई, और कितने खुश हैं आप? चोपड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार जो है हमारे नेशनल मीडिया में किसी चैनल ने एक जो है दूसरा नैरेटिव जो है कश्मीर का, या कश्मीर का दूसरा जो असली चेहरा है वो पेश करने की बात की है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने तमाम बायकॉट्स को दरकिनार करते हुए, हर किस्म के बायकॉट्स को, हर किस्म की थ्रेट्स को, वो इन चुनाव में या डेमोक्रेसी के इस जो प्रोसेस के अंदर वो लोग आए, और 74% पोलिंग जो रियासत के अंदर आज हुई है, आज के हालात में, जबकि आप लोग या मीडिया के लोग एक डिफरेंट पिक्चर कश्मीर की पेश कर रहे थे। 74% जहां पर आबादी 1,20,00,000 के आसपास में 74% ने वोट डाला है इन टोटलिटी जम्मू कश्मीर के अंदर। यह सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद, वहां के नागरिकों को मुबारकबाद। उसके बाद मैं कहता हूं पूरी नेशन को मुबारकबाद, जिसके बाद जहन के अंदर कश्मीर का नरेटिव एक अलग से कुछ परसेंट का था, शायद तमाम कश्मीर ऐसी है। हमने बार बार कहा है कि कश्मीर का दूसरा चेहरा भी देखिए, कश्मीर की साइलेंट मेजॉरिटी भी देखिए, और साइलेंट मेजॉरिटी ने आज 74% मतदान करके तो यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है दे आर प्रो डेमोक्रेसी, वो जमहूरियत नवाज हैं, और इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत की जीत हुई है तमाम इन हालात के बावजूद। 2011 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, पंचायत और निकाय चुनाव तो 2005 में, 13 साल बाद। जी जी जी, क्यों टालने की कोशिश की गई,
किसका फायदा आपको लगता है, कौन कौन सी ताकतें हैं जो चाह रही थी कि भाई जमहूरियत यहां पर जिंदा ना हो? असल में मैं आपको बताऊं कि जिसको आप कश्मीर इशू कहते हैं ना, दैट इज नॉट कश्मीर इशू पॉलिटिकल, ये इशू ऑफ पॉलिटिशियंस है। वहां जम्मू कश्मीर के सियासतदान जो है, वेदर दे आर ऑन दिस साइड और दैट साइड, चाहे उनमें सेपरेटिस्ट हो चाहे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम हो, दे नेवर वांटेड टू सी द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों तक जमहूरियत को नहीं आने दिया। अगर लोग इंपावर हो जाएंगे, लोगों का डायरेक्ट रिश्ता नेशन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारे चुंगल से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इन्हीं लोगों को इस्तेमाल जो है 1947 से लेकर आज तक कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आई, फिर पीडीपी करती आई, आजकल कोई सेपरेटिस्ट कर रहे, इन्हीं लोगों का इस्तेमाल था। और आज की डेट में पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक उन जमातों ने यहां पर दिल्ली में भी एक इंप्रेशन दे के रखा हुआ था, साहब जम्मू कश्मीर में हमारे सिवा कोई हिंदुस्तानी है ही नहीं है, तो अगर हम हैं तो वहां पर चुनाव हो सकता है, हमारे सिवा वहां कुछ नहीं हो सकता। आज जब उन्होंने बायकॉट किया, लोगों ने कहा नहीं भाई हम तुम्हारे सिवा भी हिंदुस्तानी हैं। अरुण शर्मा जी, मैं शफीक भाई की बातों को अगर आगे बढ़ाऊं, उन्होंने दो चीजें कही। एक, ये चुनाव किसी की जीत नहीं, ये जमहूरियत की जीत है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ये चुनावों को टालने की इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोग एम्पायर हो गए तो कई दुकानें बंद हो सकती थी, अलगाववादियों की दुकान कह लीजिए, कई दुकानें, कई सियासी दुकानें बंद हो जाती, उन पर ताला लग जाता अगर ये चुनाव हो जाते, जो कि हुए और अब शायद दुकानों पर ताला लगेगा। अरुण शर्मा साहब, इसी बात को आगे बढ़ाइए। आज से पहले कुछ लोग अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे हिंदुस्तान सरकार के अंदर दिल्ली में आके कि हमारे बिना कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। ये उनके मुंह पे एक किस्म का तमाचा है। ये जो ग्राम सभा है, ग्रास रूट लेवल की ग्राम सभा, ये बेसिकली मतलब गांव को मजबूत करने का एक जरिया है। और लोगों ने ऐसा तमाचा मारा है इन पॉलिटिशियन के मुंह पे, बायकॉट, कुछ समाज जो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने बायकॉट किया था, जहां मैं रहता हूं, जहां का मैं सरपंच हूं, पाकिस्तान की दनदनाहट गोलियों के बीच में, और जो जहां मेरा गांव है, एक महीना पहले 4 मिलिटेंट का वहां इनकाउंटर होना, और उसके बावजूद लोगों का इतने हजूम, और 104 साल के बुजुर्ग ने आके वोट डालना, ये दर्शाता है इनके मुंह पे सही तमाचा है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये अलगाववादियों पे, सम पॉलिटिकल पार्टियों पे, ठीक, ये सीधा करारा जवाब है। आफताब अहमद बेग साहब, आप भी कुछ अनुभव बताइए, प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा, क्या वार्तालाप हुआ, क्या संवाद हुआ? बेसिकली 2016 में हम मिले हैं मोदी साहब से, उस वक्त भी हमने किया था, कहा था उसको कि वहाँ पंचायत करवाई जाए, क्योंकि यहाँ की उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियाँ थी वहाँ पर, वो कह रहे थे उसको कि वहाँ हालात खराब है, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, इसलिए ये किया, पीछे हो गया। देखिए ये हुआ, जब गवर्नर राज हुआ तो हम बीच में आ गए, हमने गवर्नर साहब से भी मुलाकात की, वहाँ के वजीर आजम से भी मिले, हमने कहा आप इलेक्शन का बिगुल बजाइए, आप देखिए कि लोग कैसे निकल आएंगे। इलेक्शन का बिगुल बज गया और लोग घरों से निकल आए, उन्होंने वोट डाला और जमहूरियत की जीत हुई, ये हमारा मकसद और मुद्दा था। तो जमहूरियत की जीत हुई, और मेरे ख्याल से शबीर लोन साहब, जो एक और ब्रांड एम्बेसडर है लोकतंत्र के मेरे साथ, शबीर लोन साहब, मतलब ये तो एक तरीके से मैं कहूं कि ये तो कश्मीर के लोगों ने और कश्मीरियों ने जवाब दे दिया, वो क्या चाहते क्या है, उन्होंने बता दिया हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में देश बसता है, भारत बसता है। चोपड़ा साहब, अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं गिरती और ये इलेक्शन नहीं होते, ये एक कारण है, जम्मू कश्मीर में जब हुकूमत गिरी, पीडीपी और भाजपा की सरकार थी वहां पे, दोनों का गठबंधन जो खत्म हो गया, और उसके बाद ये इलेक्शन हुए वहां पे, और इलेक्शन में लोगों ने, मैं क्यों लगता है ऐसा लगता था कि लोगों को ऐसा दबाव था कि जो ग्रास रूट लेवल के वो लोग हैं वो दबे हुए थे, ये नहीं चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं वो कहीं उभर के आ जाएं। जो डेवलपमेंट काम होना था वहां पे वो दबा हुआ था, क्योंकि मैं एज पर एज मैं अपना जो पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैं 2 महीने अपने गाँव में घूमा, लोगों में एक ऐसी चीज़ थी, लोगों ने इसलिए नए पढ़े लिखे लोगों को, चेहरों को साथ दिया, जो पढ़े लिखे जवान थे उनको साथ इसलिए दिया कि वो चाहते थे कुछ डेवलपमेंट हो जाए हमारे गांवों की, जो आज तक नहीं होती थी, जो मिले हुए लोग थे, जो ऊपर से ही गायब होता था।
अब पढ़े लिखे लोग जब आगे इसमें डेवलपमेंट हो गई तो मैंने कहा ना दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें तो बंद होंगी, डिस्टर्ब दिखाने की कोशिश की जा रही है। चोपड़ा साहब दुकानें तो बंद होनी थी, लेकिन मैं आपको एक बता दूंगा, आज के डेट में कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत, आज के डेट में आप गाँव के लोगों के चेहरों का रौनक देखिए, हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं अपने चिनाब वैली की बात करूंगा, किश्तवाड़ की बात करूंगा, इतना रिमोट एरिया है जम्मू कश्मीर का, वो दिल्ली की तो बड़ी दूर है, जम्मू कश्मीर का सबसे रिमोटेस्ट एरिया हमारा इलाका है इंद्रवाल। आप देखें वहां पे लोगों के चेहरों में इस टाइम कितनी खुशी है, अच्छा रौनक आई हुई है। सबसे ज्यादा खुशी में उन भाई साहब के चेहरे पर भी नजर आ रही है जब से आए, मुश्ताक खान बीरू बडगाम से है, अच्छा ये भी सरपंच है, हां सरपंच। मैं चाहूंगा मुश्ताक भाई अगर आप माइक लेकर अपना अनुभव बताएं, मैं जब से शो कर रहा हूं मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा चेहरे पर मुस्कान आपकी ही है, क्या वजह है इस मुस्कान के पीछे? खुश है जी, हम खुश है जी, चेयरमैन साहब से भी और मोदी जी से भी हम मुलाकात मिले आज, मैं भी सरपंच बन गया अपने गांव के। मैं इसलिए खुश हूं कि मैं कुछ कर सकूं गांव के लिए, कोई खदमत कर सकूं, तो अभी तो हलफ बर्दारी हुई नहीं, मैंने शुरुआत की अपने गांव के लिए क्या करना है जी। कुछ किया, गांव भी बहुत खुश है, मैं खुद भी सरपंच हूं, अपनी बीवी वो पंच बनाया जी, मैं खुश हूँ जी, बस। अच्छा और कोई अपना अनुभव अगर बांटना चाहे जी, जी एक्चुअली जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो 2016 से इलेक्शन टाल रही थी, गिला हमारा ये नहीं है कि सेपरेटिस्ट ने कॉल दे दी, उनका एक रूटीन है, उनका तो काम ही है, उनकी दुकान तो इसी बात पे चलती है। लेकिन मेन स्ट्रीम ने जो कॉल दे दी, रीज़न क्या था, 35A का सहारा लेकर उन्होंने जो कॉल थी वो एक बहाना था, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी कश्मीरी कौम की। अदरवाइज जो बेसिक रीज़न था, जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो MLAs हैं या गवर्नमेंट जो भी है, वो अपना ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स चाहती ही नहीं है। कोई भी MLA नहीं चाहता है कि मेरे एरिया में मेरे जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब इसलिए वो इलेक्शन को मैं समझना चाहूंगा मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीडीपी एनसी इसलिए चुनाव नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी सत्ता छिन सकती थी, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता ना, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, तो उनकी भी सियासत खतरे में पड़ती, आप लोग मजबूत होते तो। जी 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 ठीक जी, वो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मतलब फवने देते ही नहीं है। नहीं लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर आप में से कोई जवाब दे पाए, शफीक भाई पहले आप दीजिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। शफीक भाई एक चीज बताइए, ये जो ताकतें थी जो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र या जमहूरियत की जीत ना हो, ये जो भी लोग थे अलगाववादी थे, तमाम दूसरी ताकतें थी जो कौन सा एजेंडा चलाती है आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव का बहिष्कार करके, चाहे पीडीपी चाहे एनसी, उन्हीं के हाथों में खेलने का काम किया। देखिए सवाल उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाया, बात यही कहते हैं, हमारा सवाल यही है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की है, ये मैंने अपनी स्पीच में भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब से किया है, हमें सेपरेटिस्ट से इस मामले पर कोई गिला नहीं है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, पिछले 30 साल से उसको चला रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर आइडियोलॉजी, वी सोल्ड आवर आइडियोलॉजी एंड वी वॉन, ठीक है वो आगे। लेकिन जो लोग इस रियासत पर हुकूमत करते आए हैं 60 साल से इस रियासत को और मुल्क को खाते रहे हैं, वेदर दैट इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फारूक अब्दुल्ला आर पीडीपी ऑफ महबूबा मुफ्ती, उनका बायकॉट हमारी समझ से बाहर हो गया। सब आपने बायकॉट क्यों किया, उनका बायकॉट करने की मकसद ये था कि जब से हमारे लोगों ने, अब आप देखिए कि एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है जब एक सरपंच का प्राइम मिनिस्टर के साथ, जब सरपंच का प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन बन जाता है, खतरे की घंटी तो पॉलिटिशियन को बजती है कि साहब ये लोग तो बहुत ज्यादा इंपावर हो रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों के पास ये इंपावरमेंट हो या इनके साथ पावर शेयर करनी पड़े, तो ये लोग हमारे हाथों से निकल जाएं। असल उनकी वजह ये थी। ये बार बार जो मैं जितनी भी बातें सुन रहा हूं उसका मैसेज ये है कि कश्मीर को जानबूझकर डिस्टर्ब दिखाने की कोशिश की जाती है। जानबूझकर ही दिखाया जाता है कि ये कश्मीर की असल तस्वीर है। आप देखिए जब भी हम कश्मीर का नाम लेंगे जहन में दूसरी तस्वीर बनेगी, लेकिन वो नहीं, असल तस्वीर ये है, ये चेहरे हैं, आप लोग हैं। यही मैसेज देने की कोशिश इन चुनावों के जरिए की गई कि वो असल कश्मीर नहीं है जो पॉलिटिशियन दिखाने की कोशिश करते हैं या दूसरा नैरेटिव सेट किया जाता है, ये असल कश्मीर की तस्वीर है जो आम कश्मीरी भी चाहता है, जमहूरियत जिंदाबाद, जिसको विश्वास जमहूरियत पर है, लोकतंत्र पर है। ये मुट्ठी भर है ना सर, हम लोग रोज डिबेट करते हैं कश्मीर पर, मैं बार बार कहता हूं ये सर मुट्ठी भर है, 2%, 3%, 4%, 96% आज भी जमहूरियत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, देश के साथ है, ये इन चुनावों ने साबित कर दिया। अरुण शर्मा साहब, चोपड़ा साहब मैं पर्सनल व्यू आपसे शेयर करूंगा।
मैं मुगल रोड की तरफ से जाता हूँ श्रीनगर, पहला शिपाही आता है, कुलगाम आता है, फिर श्रीनगर आता है, मैं अकेला जाता हूँ, विदाउट प्रोटेक्शन जाता हूँ, मुझे तो कोई कश्मीर में डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं देती। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी न्यूज का स्पेशली, यहाँ कुछ चैनल हैं जो कश्मीर का चेहरा जो है वो डिफरेंट टाइप का दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को। लेकिन मैं फिर जी न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है ग्राम सभा जो आपके सामने बैठी हुई है। हम तो कहते हैं भाई यही सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ये कहा जाता है पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, और वो सीढ़ी मजबूत हो रही है ना आज। ये चुनाव जो था ये और भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था। एक तो 1.5 महीना तक ये चुनाव चला है, उसके बाद 40,000 के करीब नुमाइंदे इसके अंदर चुने गए हैं, जिसमें 4,499 सरपंच हैं पंचायतें और 37,000 के करीब पंच हैं। ये पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके अंदर एक चूंटी भी नुकसान नहीं हुई है, नो वायलेंस, नो इंसिडेंट, हिंसा नहीं हुई, नो नथिंग, दिस इज द हिस्टोरिकल। ये जो ये पहला चुनाव है, इतना टर्नआउट भी होना, इस किस्म का चुनाव जो है इस वक्त तक कोई भी हम पिछले कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखते हैं या कहीं पर भी इंडिया में आप देखो, कहीं पर भी देखो कि इतना नॉन वायलेंट चुनाव कोई भी कहीं पर पूरी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। ये जो आज का चुनाव हुआ है, यानी कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन या पब्लिक का मूड इस किस्म का था कि वहां पर कोई जो इस किस्म की हरकत करने की जरूरत नहीं कर पाया। ये दूसरी चीज में आपको ये कहूंगी कि ये बार बार वहां के लोगों ने या आज भी उन लोगों ने अपना यकीन जो है वो जमहूरियत पर दिखाया है, आज फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारा यकीन जो है जमहूरियत पर है। कहीं टेलीविजन पर देखते हैं या अखबार में देखते हैं, वो असली चेहरा नहीं है, असली कश्मीर ये है जी। आफ्ताब अहमद बेग साहब, वही जो शफीक भाई कह रहे थे कि ये दरअसल कश्मीरियों के नाम पर लड़ाई लड़ी जाती है, ये बताया जाता है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये कश्मीरियों के लिए है, वो झूठा एजेंडा चलाया जाता है। असल कश्मीरी ये चाहता है कि चुनाव हो, असल कश्मीरी चाहता है कि जमहूरियत मजबूत हो, असल कश्मीरी चाहता है कि वहां पर जो है तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, वो हिंसा नहीं चाहता है, ये असल कश्मीरी। और कश्मीरियत यहां पर हिंसा की लड़ाई, आतंक की लड़ाई को कश्मीरियत से जोड़ दिया जाता है। आफ्ताब अहमद बेग साहब, बेसिकली जो 2016 की बात कर रहा हूं मैं, जब वहां बिजनेस हुआ ब्रांड का मसला, तो 6 महीने वहाँ हड़ताल रहा टोटल। 6 महीने में उन्होंने एक ही आर्डर निकाला, पंचायतों को डिजॉल्व करो, इनका टाइम निकला है। एक लोग नहीं चाहते, फिर मुजफ्फर बेग ने असेंबली में भी, जो वहाँ के नायब वजीर आला थे, मुजफ्फर बेग ने असेंबली में भी कहा तो हमारे लिए क्या आ गया, जब पंचों और सरपंच को आप इतने इख्तियार दे रहे, उस वक्त डिबेट है उसका असेंबली में कि पंचों और सरपंच को जब ये देंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए ये लोग, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पंचायत इलेक्शन हो जाए। अच्छा, 7 दिन पहले ही इन्होंने लद्दाख डेवलपमेंट का, दल डेवलपमेंट का वो इलेक्शन किया था, 7 दिन के बाद इन्होंने कहा नहीं 35 खतरे में है, आप पंचायतों में मत जाओ। ये दोहरी पॉलिसी कब तक चलेगी? तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी, बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेलिंग लोगों को भी किया। खैर, वो अब हिस्ट्री बन गए हैं, अब नई शुरुआत जो है यहां से है, कौम अब नजर आ गई है। चोपड़ा साहब आप देखिए, वहां पर एक शख्स ने, आपका क्या नाम है भाई साहब? इम्तियाज अफजल बेग, इम्तियाज भाई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई। नहीं, इमोशन में उस पर नहीं जाऊंगा मैं, आपको एक बता दूं, आप देखिए जब अगला इलेक्शन होगा इस पंचायती का, लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंसमेंट की हमारे सामने, जो हमें जो हम उनके साथ मिलके आए, उन्होंने कहा कि जो भी फंडिंग होगी डायरेक्ट सरपंच के खाते में होगी, सरपंच और वर्कर जो पब्लिक है उसके बीच में रब्ता होगा, सरपंच चाहेंगे क्या काम होना है, लोगों के साथ मिलजुल के उनके काम होंगे। जब ये चीजें होंगी तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे आपके साथ जी, आपको बढ़ चढ़ के वो आपके साथ आएंगे, वो लोकतंत्र को ज्यादा पसंद करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी भी अपना अपना जो है अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, आप सभी बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी अप्रिशिएटिंग सिचुएशन है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बावजूद आवाम बाहर आई और इस ग्रास रूट लेवल इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि वहां के लोगों ने समझा है और उसमें आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी काफी काम किया है कि ये कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, इसको खराब होने मत दो। ये तो नींव है, ये तो बेस है, इसको खराब होने मत दो। मैं बार बार यही कहता हूँ, हमें हुर्रियत इस
सेपरेटेड पार्टीज के साथ कोई गिला नहीं है, गिला है तो मेन स्ट्रीम पार्टीज का है, क्योंकि वो भी उन्हीं की बात, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बात कहते हैं वहां पे दूसरी बात कहते हैं, और चाहते नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी मजबूत हो। तो फिर जो इम्तियाज भाई ने सवाल उठाया, तो फिर ये तो फिर फर्क क्या रह जाएगा अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी बायकॉट करेंगी, तो फिर क्या फर्क है अलगाववादियों और में और मुख्यधारा की पार्टियों में? देखिए सवाल यही चीज है, ये जो आपने सवाल उठाया यही बात जो है हम भी करते आए हैं कि वो लोग, उन लोगों ने आज बायकॉट किया है जो तीन तीन टर्म रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन लोगों ने बायकॉट किया है जो इंडिया के होम मिनिस्टर रहे हैं मुफ्ती सईद साहब, उनकी बेटी ने बायकॉट किया जो अभी कल तक वहां पर चीफ मिनिस्टर थी रियासत की, उन लोगों ने बायकॉट किया है जो 60 साल से 70 साल से वहां हुकूमत करते आए हैं और उन मुल्क को खाते आए हैं, इस रियासत को भी खाते हैं और उस मुल्क को भी खाते आए हैं। उन्होंने आज इस मौके पर ये अवाम के साथ दुश्मनी की है कि अवाम इंपावर हो रही है, जब अवाम इंपावर हो रही तो बायकॉट, उधर से आज मुतालबा कर रहे हैं साहब असेंबली के चुनाव करवाओ, उसका मुतालबा कर रहे हैं असेंबली के चुनाव करवाओ। मेरे ख्याल से आप बोलिए, आप बोलिए। तो ये तो आम आवाम के साथ धोखा था ना, ये तो कश्मीरियों के साथ धोखा था, कश्मीरियों की बात करके कश्मीरियों के साथ धोखा, ठगना था उनको, क्या वोट मत करिए भाई? ये तो ये बात चाहते हैं कि जो आम आवाम है उनकी आवाज़ आगे ना आए, जो ऊपर से सबका लीडरान जो बैठे हैं जिनको पुराने ज़माने में लीडर बनाया गया था, ख़ानदानी तौर पे बनाया गया था, वही आगे आए, वही ब्लैकमेलिंग करते रहे, जो दिल्ली से पैसा आए, जो हिंदुस्तान से पैसा मिले उसको आपस में मिल बांट लें और रूट लेवल पे जो है वो कोई डेवलपमेंट ना हो। इस बार जो भारत सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप उठाया है, मीर साहब ने भी इसमें संयोग दिया है, इससे जो है आम लोग जो चुन के सरपंच आए हैं ये डेवलपमेंट करेंगे। और अगर हालात की, अगर हालात की जानकारी आपको दे दें, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ, मेरे घर से सामने पाकिस्तान आधा किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा जी, जब गोलियां चलती हैं जनाब तो आधे लोगों के पैर नहीं है, आधों के हाथ नहीं है, और जब गोली लग जाती है वहाँ से 300 किलोमीटर दूर लाया जाता है हमें पट्टी करने के लिए। मैं ये नेशनल चैनल पे बात इसलिए कह रहा हूँ, उसके बावजूद ये वोटर टर्नआउट, उसके बावजूद 74% वोटर, उसके बावजूद आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बड़ा नहीं, वो महाराजा हरि सिंह के टाइम का हॉस्पिटल बना हुआ है, जो एंटी इंडिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भारत सरकार ज़्यादा तवज्जो देती है, और वो लोग जो गोलियां खाते हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो झंडे को उठा के घूमते हैं, उन लोगों के घर में पीने के लिए पानी नहीं है और देखने के लिए बिजली नहीं है, ये सिचुएशन है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सर। तो फिर तो ये जो आगे माइक कर देते, तो फिर ये तो बैलेट को बुलेट का, मतलब बुलेट को बैलेट का जवाब है ना ये, तो ये पहले एक बार वो अपनी बात रख ले, मैं सबके अनुभव में चाहूंगा भाई, प्रधानमंत्री साहब के साथ मिले हैं वहां पर, हमारे मीर साहब शफीक साहब ने भी ये बात उठाई है कि भाई साहब हमारे कश्मीर के ऊपर भी आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है, और उनकी ख्वाहिशात को उनके साथ नज़र करना उनको भी थोड़ा ध्यान रखना, उनको भी आपने साथ मिलजुल के हिंदुस्तान के साथ में मिलना है, उनको जो आपकी ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिश भी, वो हमारी जम्मू कश्मीर की ख्वाहिश भी पूरी करनी है, ये बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट नाता जोड़ा और उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के आम आदमी को इम्पावर करना चाहता हूँ, और जब इम्पावर किया जाता है तो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू इम्पावर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया वहाँ पंचायत चुनाव करवाए जाएं, वहाँ लोकल अर्बन बॉडी चुनाव करवाए जाएं रियासत के अंदर, तो मैं उन लोगों को इख्तियार दूंगा जो अपने लोगों की खिदमत करेंगे। इन लोगों को काम किए यार, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट दिल्ली की जो मरकजी सरकार है, ये तो डायरेक्ट लोगों के साथ रब्ता बढ़ा रही है, तो जब ये सामने आ जाएगी एग्जैक्टली तो हम खत्म हो जाएंगे। दैट इज व्हाई दे वांटेड, दे मेरा कहने का भाव ये था कि 35A के मुद्दे पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग, आप वर्ड यूज कर रहे थे पहले इमोशन, मतलब 35A के मुद्दे पे असेंबली का चुनाव टल सकता है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है, टल सकता है, ये सरपंच ने 35A के मसले में क्या करना है मुझे चुपड़ साहब ये बताइए। और देखो सबसे बड़ी बात, हम सरपंच हैं, कोई बॉर्डर इलाके का है, कोई चिनाब वैली से है, कोई रजौरी पुंछ कश्मीर से है, एक सरपंच का डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऑफिस में जाना और प्रधानमंत्री का आगे से ये कहना कि हर सरपंच के लिए हमारा जो दरवाजा है वो 24 घंटे खुला है, तो सरपंच ये तो इनकी नींद, मुझे तो लगता है आपका चैनल देख के आज बड़े बड़े पोलिटिशियन की नींदें हराम हो गई होगी, क्योंकि एक सरपंच का डायरेक्ट, हिंदुस्तान जो है जमहूरियत कंट्री है, सबसे बड़े वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्शन है। चीज बताइए, ये आप जो चीज कह रहे हैं ना,
होता यह है कि एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जाती रही है दिल्ली और कश्मीर के बीच में। ये खाई पाटने का काम करेगी ये चीज, ये बताने का काम करेगी कि कश्मीरी हमारे कितने प्यारे हैं, कश्मीर भारत का अभिन्नंग था, है और रहेगा, और इसी तरह से कश्मीरियों को आगे भी प्यार करता रहेगा भारत, जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की और यही मैसेज देने की कोशिश की, वो खाई पाटने का काम करेगी जो मुलाकात हुई और जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए। अरुण जी, जो इनिशिएटिव जो है जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री द्वारा पूरी सपोर्ट करना, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का पूरी सपोर्ट करना, और इनका फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर जगह जगह जाना, लोगों से मिलना। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली, जो जो इंस्टीट्यूशन जो स्कूल से जला रहे हैं, ये तो भाई ये पूरा सिस्टम को जो है बेसिक बुनियादी ढांचे को नुकसान देने वाली बात है। नुकसान कश्मीरियों का ही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये बरगलाने की कोशिश है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हमारा फायदा जमहूरियत में, हमारा फायदा लोकतंत्र में, हमारा फायदा भारत के साथ जमहूरियत को मजबूत करने में। आप अपनी बात रखिए पहले। एक एक वार्ड या एक एक पंचायत के बीच में छः छः लोग, आठ आठ लोग, मतलब इतने खड़े हुए पंचायत के, मतलब दिलचस्पी के लिए, जितना तो एक नहीं था, लेकिन कितने लोग एक एक लड़ना चाह रहे थे, चाह रहे थे उम्मीदवार जो थे, कितने लोग उसके बीच में मतलब लड़ रहे थे, तो ये वहां से हम मतलब लोगों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल खालिक, वहां अब्दुल खालिक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप बहुत उम्रदराज हैं और आप बहुत अनुभवी हैं और एक लंबा दौर आपने सियासत का देखा होगा, कश्मीर का देखा होगा, और कश्मीर को मेरे से बेहतर आप ही जानते होंगे। मैं ये समझना चाहूंगा कि इसका बड़ा मैसेज क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश की है कश्मीरियों ने, कश्मीर के लोगों ने इन निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में 74% मतदान के जरिए, क्या मैसेज क्या है इसका? मैसेज सर पूरी पब्लिक का यह है कि इकट्ठे मिल करके जो कुछ लोग दाएं बाएं, ये कुछ जैसे आप बोल रहे हैं कोई मुट्ठी भर दाएं बाएं हो रहे हैं, वो भी एक हो करके सारे मिल करके पूरे मतलब अपने इलाके के पूरे फायदे के लिए बाहर आ जाएं और अपने फायदे के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक जगह में इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते जी? मैं अनिल कुमार रजौरी से सरपंच हूँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक ने एक मैसेज दिया है। मैं भाई मेरा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए भाई, हम जी न्यूज के लिए तो आप भी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पब्लिक ने एक मैसेज दिया है कि पब्लिक जो है वो शांति चाहती है J&K में, ऐसा नहीं है कि जो 3-4% लोग है वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट के काम ना हो, वो लोगों को रास्ते से भटकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो लोगों का ध्यान जो है जो इधर रहा लगा रहे, जो पत्थरबाजी करते हैं कुछ लोग, डेवलपमेंट के जो काम है वो रुके रहे, तो अब लोगों ने उनको मुंह पे तमाचा मारा है कि कम से कम उनको लगता है कि अगर हम जो ये नुमाइंदे चुने हैं तो हमारा जो है छोटे मोटे काम है वो होंगे ग्राउंड लेवल पे और हमारी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। ठीक है, शब्बीर लोन साहब। चोपड़ा साहब, ये मुझे लग रहा है हिस्ट्री में पहली बार होगा हमारे चेयरमैन साहब के उसमें अगुवाई में कि जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के तीन खिते हैं, जम्मू भी है, कश्मीर भी है, लेह लद्दाख भी है, खाली कश्मीर नहीं है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे कश्मीर प्रांत में है और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे जम्मू प्रांत में, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक आता है। तो ये पहली बार हो रहा होगा मेरे ख्याल से, जब मेरी 40 साल की एज है, तो इनके नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास सरपंच और पंचों को पहुँचाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए एक हिस्ट्री बनी जाएगी कि जम्मू कश्मीर से इतने दूर दराज इलाके से सरपंच और पंच प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर खाना खा के निकले, उनसे मीटिंग करके निकले, उनसे आशीर्वाद लेके निकले। ये तो ट्रस्ट डेफिसिट को बिल्ड करने वाली ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो छोटी बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है, उनको समझना चाहिए कि शफीक साहब के उनके आगे उनके 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 नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से लोग आके किस हालात से आए हैं और प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके पहुंचना, ये छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके मिलना हम लोगों का, ये एक बड़ी बात है। 90% पोलिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई, 90% हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह भी है जहाँ से सरपंच है जी जी, जहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, मड़वा दक्षिण वोडवन, दिस इज द रिमोटेस्ट एरिया एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, वहां पे रोड भी नहीं है,
वहाँ लाइट नहीं है अभी तक, सो द लाइट पे वहाँ लोग गुजारा करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह अब जहाँ पे अभी भी रोड नहीं है, तो ये खुशी की बात है, माहौल है खुशी का लोगों के लिए कि अगले जो इलेक्शन होंगे आप देखिए कि लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो फिर वही बात है ना, आफ्ताब अहमद बे सर, यहाँ 74 अगली बार तो फिर 84 हो जाएगा, 94 भी हो जाएगा, वो तो बता रहे हैं कि 90% मेरी पंचायत में 90.1% मेरी पंचायत में इलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूँ लगभग सभी ने वोट किया, सबने बता दिया कि हम ये चाहते हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। जी, उन लोगों ने वोट नहीं दिया जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे स्टेशन पे, जो आउट ऑफ स्टेशन थे, ये उन लोगों ने वोट नहीं दिया। आफ्ताब अहमद बेग साहब, फिर अगली बार तो मतलब 84-94 भी हो जाएगा, फिर भी हम इकट्ठा होंगे। अब तो इस वक्त हमें 5 साल बैठ ही जाना है, अभी तो हो रहे, अभी तो कुछ है जहाँ पर नोटिफिकेशन निकलेगी ना, आप देख लेना कि 90-95% लोग निकल आएंगे और वोट डालेंगे। ठीक, जहां पर इलेक्शन नहीं हुआ, जहां नोटिफिकेशन निकली तो किसी ने फॉर्म नहीं भरा, ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी वार्ड्स हैं। अब आप देख लेना, जो ही उनका नोटिफिकेशन निकलेगा तो 95% को अगर आगे बढ़ाऊं, आपसे पूछूं तो लोगों को भी ये समझ में आया, लोगों ने समझाया है, कश्मीरियों ने समझाया या समझा कि लोकतंत्र बहाली ही कश्मीर में स्थिरता और नॉर्मलसी लाने का एकमात्र रास्ता है, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का भी, और मैं चाहूंगा एक बार आप सभी मेरे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की जीत है, और हम भी यही बोल रहे थे कि लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये खास पेशकश आप देख रहे थे, वाकई लोकतंत्र की जीत है और जमहूरियत की जीत है, जिस तरह से शफीक जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।